हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। इसमें लिखिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट, इसमें लिखिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज द एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज द एनर्जी विद विच बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज द एनर्जी विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड, विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड। देखिए जो सेकेंड लेक्चर है 10:30 बजे, उसमें मैं आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल लिखवाऊंगा। तो कुछ बच्चों के पास तो प्रैक्टिकल फाइल है, वो डायरेक्ट उसमें लिख लेंगे, जिनके पास नहीं है वो रफ में नोट करेंगे एक बार, वो फर्स्ट प्रैक्टिकल था। हाँ जी, इसके बाद लिखिए, दोबारा बोल रहा हूं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज द एनर्जी विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड, विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस, विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस फुल स्टॉप। इट इज मेजर्ड, इट इज मेजर्ड बाय द वर्क डन, it is measured by the work required not done, it is measured by the work required to separate the nucleon, work required to separate the nucleons, the work required to separate the nucleons apart from the nucleus, to separate the nucleons apart from the nucleus such that they may not interact with each other, they may not interact with each other full stop। ये कह रहा है कि इसका मेजरमेंट हम इस तरह से करते हैं कि उन न्यूक्लियॉन्स को दूर करने में, एक दूसरे से इतना दूर करने में कि न्यूक्लियस ही टूट जाए, उसमें जो वर्क करना पड़ेगा उसी को क्या बोला जाता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। कैलकुलेट ऐसे करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि न्यूक्लियस को ऐसे तोड़ा जा सकता है, न्यूक्लियस को ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता। आगे लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, इट इज फाउंड दैट, अब मास डिफेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है आपको, इट इज फाउंड दैट द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज फाउंड दैट द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन, इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन, is always slightly less than the sum of the rest masses, slightly less than the sum of the rest masses of free neutrons and protons, sum of the rest masses of free neutrons and protons, comma, composing the nucleus,
कंपोजिंग द न्यूक्लियस. देखो इस स्टेटमेंट का मीनिंग मैंने आपको कल बताया था, जैसे हीलियम न्यूक्लियस की बात की थी हमने, तो अगर मैं यहां पर अलग अलग न्यूक्लियॉन्स की बात करता हूं, तो इन सब न्यूक्लियॉन्स का सेपरेट मास जितना भी है उन सब का सम कर दीजिए, वो सम हमेशा किससे लेस देन आएगा, वो सम हमेशा किससे लेस देन आएगा, जब ये सारे के सारे न्यूक्लियॉन कैसा होकर के रहेंगे, जब ये कंबाइन फॉर्म में होंगे. तो ये रेस्ट मासेज हैं सेपरेट फॉर्म में और कंबाइन फॉर्म में, वो भी रेस्ट मास होगा और दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, उसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं. अब आगे लिखिए, कंपोजिंग द न्यूक्लियस लिख दिया फुल स्टॉप. दिस डिफरेंस कंटिन्यू, दिस डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मासेज ऑफ न्यूट्रॉन्स, दिस डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मासेज ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फॉर्मिंग द न्यूक्लियस, सम ऑफ द मासेज ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फॉर्मिंग द न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट. इज कॉल्ड मास डिफेक्ट. दोनों का डिफरेंस ही मास डिफेक्ट है. दोबारा बोल रहा हूं, फॉर्मिंग द न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट. डिफेक्ट, defect. आगे लिखिए, इट इज द मास डिफेक्ट. कंटिन्यू, इट इज द मास डिफेक्ट which appears in the form of binding energy. It is the mass defect which appears in the form of binding energy. Which appears in the form of binding energy. इसके बाद में लिखिए next line में, mass defect को किससे लिखेंगे, डेल्टा एम से लिखा जाता है. फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ए माइनस जेड, और इसके मल्टीप्लाई में आएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन. ये कौन सा मास है, ये थियोरेटिकल मास है. इसमें से क्या माइनस करेंगे, जो मासेज आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी से गिवन होंगे वो होंगे प्रैक्टिकल मासेस, और प्रैक्टिकल मास को किससे लिखेंगे, कैपिटल एम से. अब मेरे को ये पैरामीटर्स लिखवाने की तो जरूरत नहीं है कि जेड यहाँ पे क्या है, ए क्या है, ये सब आपको पता होगा और होना भी चाहिए. ओके, ये डेल्टा एम का फॉर्मूला होगा. अब आप क्वेश्चन लिखिए, जो क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था ऑक्सीजन का, लिखिए कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस फुल स्टॉप. गिवन, क्वेश्चन में लिखना है गिवन कॉमा मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम is 15.99493 unit full stop. अब सबसे पहले इसमें क्या calculate किया था हमने, सबसे पहले mass of nucleus calculate करेंगे. मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस, इसको हम लोग कैपिटल एम से लिखेंगे. तो इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ये आप नोट कर लीजिए.
mass of oxygen nucleus 12. ऑक्सीजन न्यूक्लियस के मास को कैपिटल एम से लिखा जाता है, और आपको जो क्वेश्चन में मास गिवन है वो एटम का मास गिवन है 15.99493, और माइनस में क्या करेंगे 8 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स का मास इसमें से माइनस करना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स का मास इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 15.99493 माइनस 8 इंटू 0.00055 यूनिट, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, और 8 इलेक्ट्रॉनों का मास कितना हो जाएगा 0.00440, और इसको माइनस करोगे तो प्रैक्टिकल मास आ जाएगा 15.99053 यूनिट, ये कैपिटल एम आ चुका है। अब हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं मास डिफेक्ट को। मास डिफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम। सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, इसके लिए जेड आएगा 8, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.00727 प्लस 8 इंटू 1.00866 माइनस 15.99053। इसमें से 8 कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर सकते हैं। कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1.00727 प्लस 1.00866 माइनस 15.99053। दिस विल बी 8 इंटू 2.01593। ये नोट करो, फिर इरेज करके नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखता हूं। नेक्स्ट आएगा 16.12744। माइनस 15.99053। इसको माइनस करोगे तो मास डिफेक्ट आएगा 0.13691 यूनिट। ये आ गया मास डिफेक्ट। अब बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कर दूं इरेज कर दूं इसको। अब हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस, जिसको किससे लिखा जाता है, ई बी से लिखा जाता है बाइंडिंग एनर्जी को। और क्या फॉर्मूला था, जितना भी मास डिफेक्ट होगा उसको आपको 931.5 से मल्टीप्लाई करना है, और ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा आंसर। डेल्टा एम की वैल्यू है 0.13691 इंटू 931.5। इसको मल्टीप्लाई करोगे सो दिस विल बी 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये आ गई बाइंडिंग एनर्जी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसको हम लोग लिखते हैं ई बी एन से, और फॉर्मूला होता है ई बी अपॉन मास नंबर। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सो दिस विल बी ई बी एन इज इक्वल टू 127.5 डिवाइड बाय 16। सो ई बी एन इज इक्वल टू 7.96 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है। अब आप हेडिंग लिखिए नेक्स्ट। देखो इस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा, अगर सब्जेक्टिव पेपर आता तो। अब रफली तो आप जैसे मर्जी सॉल्व कीजिए, उसके लिए तो कुछ शॉर्टकट तो बस यही है कि कुछ वैल्यूज आप याद रख सकते हो। आते हैं रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ जी। अब लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की, लिखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। हेडिंग है नेक्स्ट हेडिंग, इसमें लिखो इट इज द एवरेज एनर्जी, इट इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए न्यूक्लियॉन, इट इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए न्यूक्लियॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, to remove a nucleon from the nucleus to the infinite distance. Infinite distance का मतलब है कि वो nuclear force की range से बाहर आ जाएगा, फिर nucleon दोबारा से nucleus में नहीं जा सकता. Required to remove a nucleon from the nucleus to infinite distance. Full stop. Next line में लिखिए. Formula लिख लो इसका. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, नेक्स्ट लाइन में लिखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ब्रैकेट में लिखो ई बी एन कैपिटल ई और उसके सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे बी एन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ई बी एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय मास नंबर। ईबीएन के इक्वल में लिखना है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइड बाय मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी को किससे लिखते हैं, ईबी से, और मास नंबर को ए से लिखते हैं, तो आगे फॉर्मूला बना करके लिख दो, ईबीएन इज इक्वल टू ईबी अपॉन ए, ईबीएन इज इक्वल टू ईबी अपॉन ए। मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको कल करने के लिए, रफ कॉपी निकालो आपको।